9 सेकंड न्यूज में आप देख लेते हैं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई कुछ और बड़ी खबरें। आज से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानमंडल सभा का मानसून सत्र। दोनों सदनों में हंगामा होने के आसार। सरकार में एनसीपी के अजित गुट के शामिल होने के बाद दोनों सदनों का ये पहला सत्र। विधानमंडल के मानसून सत्र के एक दिन पहले मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे ने रखी टी पार्टी। सभी दलों को दिया गया निमंत्रण। विपक्षी पार्टियों ने चाय पार्टी का किया बहिष्कार। मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दोनों डिप्टी सीएम के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले विपक्ष के हर सवाल का देंगे जवाब। विपक्ष भले ही है कमजोर लेकिन देंगे उचित सम्मान। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे बोले सरकार खड़ी है किसानों के साथ। बारिश है एक चिंता का विषय लेकिन संकट के समय अन्नदाता को नहीं छोड़ा जाएगा अकेला। हमारी सरकार के पास भरपूर समर्थन। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को ठहराया संवैधानिक। जनता के हित में हो रहे हैं फैसले। राज्य से बाहर नहीं जा रहे उद्योग। मॉनसून सत्र पर बोले अजीत पवार सरकार देगी चर्चा पर जोर। विपक्षी दलों के सभी सवालों का देंगे जवाब। मौसम विभाग ने दी है जानकारी। इस हफ्ते पूरे राज्य में होगी अच्छी बारिश। शरद गुट के विधायकों में स्पीकर को लिखी चिट्ठी। विधानसभा में बैठने के लिए अलग सीट की अपील की। पार्टी नेता जितेंद्र अहवाल का बयान शरद पवार के निर्देशों का पालन करेंगे गुट के विधायक। मुंबई में कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने फिर से दिया बयान। नए समीकरण के हिसाब से विधानसभा में कांग्रेस है सबसे बड़ा विपक्षी दल। स्पीकर के सामने रखेंगे नेता प्रतिपक्ष का दावा। और अब 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं देश से जुड़ी हुई कुछ और अहम खबरें। भोपाल से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत में लगी आग। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। रानी कमलापति स्टेशन से निजामुद्दीन के लिए रवाना हुई थी ट्रेन। दिल्ली के अधिकारियों पर नियंत्रण को लेकर केंद्र के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। दिल्ली सरकार ने अध्यादेश के खिलाफ दाखिल की है याचिका। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। बिल्किस बानो ने दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन यानी DERC के अध्यक्ष की नियुक्ति के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। LG पर अपनी मर्जी से DERC अध्यक्ष चुनने का आरोप। राजस्थान के अलवर में पंडित प्रदीप मिश्रा ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के महिलाओं पर दिए गए बयान को बताया गलत। कहा कि आप कुछ भी बोलना चाहते हैं तो उसका अनुवादन करें। लद्दाख के द्रास में करगिल विजय दिवस की तैयारी जोरों पर। इस साल ऑपरेशन विजय की 24वीं वर्षगांठ। 1999 के करगिल युद्ध जीतने के गौरव में हर साल मनाया जाता है करगिल विजय दिवस। टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच लोगों के लिए राहत की खबर। भारत सरकार 80 रुपए प्रति किलो बेच रही है टमाटर। NAFED और NCCF के माध्यम से कई शहरों में शुरुआत। 9 सेकंड न्यूज में अब बात सावन के दूसरे सोमवार की। सावन महीने का आज दूसरा सोमवार। भक्तों की मंदिरों में उमड़ी भीड़। इस बार अधिमास की वजह से 4 की जगह होंगे 8। सावन के सोमवार आज मनाई जा रही है हरियाली अमावस्या। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में वेद मंत्रोच्चार के साथ पुजारियों ने बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया। मंदिर में उमड़ी बाबा के भक्तों की भीड़। सोमवती अमावस्या के मौके पर प्रयाग के संगम तट पर डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालु। सावन के दूसरे सोमवार पर हरियाली अमावस्या पड़ जाने से आज का दिन बहुत खास। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।